हेलो दोस्तों, क्वेस्ट फॉर एडुकेशन चैनल की तरफ से मैं भोलानंद महतो आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वैदिक मैथमेटिक्स का एक ऐसा ट्रिक्स लेकर आए हैं जिसका द्वारा आप मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसानी से कर सकिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप लोग से एक निवेदन है, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 26 × 24, 26 से 24 को हमको गुना करना है। तो दोस्तों एक बेस मान के चलेंगे, बेस हम लेते हैं 20। सो बेस से ये नंबर 6 ज़्यादा है, तो दोस्तों हम यहाँ पर प्लस 6 लिख रहे हैं। ये नंबर 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा लिख रहे हैं, 4। तो दोस्तों अगर ये बेस लेने का तरीका आप लोगों को समझ में नहीं आया, ऊपर में आई बटन में क्लिक करके आप मेरा अगला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको होता है 24। अब दोस्तों 26 से 4 को जोड़ देते हैं, या 24 से 6 को जोड़ देते हैं, जो मेरा मर्जी, एक को जोड़ेंगे। तो हम 26 से 4 को जोड़ देते हैं, मेरा होता है 30, और 30 से 20 बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 × 20 होता है दोस्तों 600। ये दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 624 दोस्तों, आंसर 624। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर 32 × 35, दोस्तों बेस लेते हैं 30, तो दोस्तों ये 30 से 2 ज़्यादा है, 2, और ये 5 ज़्यादा है, तो दोस्तों ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 = 10, तो 10 हम यहाँ पर लिखते हैं। अब दोस्तों ये 32 से 5 को जोड़ते हैं, तो होता है 37। अब 37 को हम बेस से मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो 37 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो होता है 111। सो 1110। अब दोस्तों ये दोनों को जोड़ते हैं, 211। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, 38 × 36, तो दोस्तों यहाँ पर बेस हम लेते हैं 40, तो दोस्तों ये 40 से 2 कम है, ये नंबर 40 से 4 कम है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोस्तों होता है 8। अब दोस्तों 38 से हम 4 घटाएंगे, का 36 के 2 घटाएंगे, जो मेरा मर्जी है, तो हम 36 से 2 घटाते हैं, 34 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं बेस से, तो ये मेरा आता है 1360। अब दोस्तों 8 को ऐड कर देते हैं, 8 6 3 1। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, 48 × 55, दोस्तों यहाँ पर हम बेस 50 लेते हैं, बेस 50, अब ये नंबर 48 50 से 2 कम है, और ये नंबर 5 ज़्यादा है, प्लस 5। अब दोस्तों ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से होता है -10। अब दोस्तों इसके साथ हम ex को जोड़ेंगे, तो होता है 53, उसको हम 50 से बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 53 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोस्तों होता है 2650, 2650। अब दोस्तों ये 10 माइनस है, तो ऊपर से हम 10 को घटा देते हैं, तो ये होता है 2640। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर दोस्तों 73 × 68, तो बेस हम ले लेते 70 से ये 3 ज़्यादा है, ये 2 कम है, तो दोस्तों ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -6। अब दोस्तों 73 से 2 घटा देते, 71 को हम बेस 70 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोस्तों होता है 0749। अब दोस्तों इससे 6 घटा देते हैं, 6494। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, 205 × 217, दोस्तों यहाँ पर हम बेस 200 लेते हैं, बेस 200,
तो 200 से 5 ज़्यादा है प्लस 5, ये 17 ज़्यादा है तो 17, 17 ज़्यादा 17, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 85। आप इसके साथ इसको जोड़ते हैं तो 222, 222 को दोस्तों हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 44400। अब 85 ऐड कर देते हैं, 5844 दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट सवाल, 312 × 296। दोस्तों यहाँ पर हम बेस लेते हैं 300, तीन नंबर बेस से 12 ज़्यादा है प्लस 2, ये नंबर 300 से 4 कम है तो -4। दोस्तों ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है -48। अब दोस्तों ये -4, 312 से -4 करते हैं या 296 से 12 प्लस करते हैं दोस्तों, जो मेरा मर्जी है। तो होता है 308, इसको हम बेस 300 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 00924। अब दोस्तों 48 माइनस है, इसको हम माइनस कर देते हैं, 52329। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, 689 × 708। दोस्तों यहाँ पर हम बेस 700 लेते हैं, बेस 700, तीन नंबर 700 से 11 कम है और ये 8 ज़्यादा है तो ये दोनों को दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 88 -88। अब दोस्तों ये नंबर से 8 जोड़ेंगे तो होता है 697 को हम बेस से मल्टीप्लाई करेंगे 700 से तो ये होता है दोस्तों 009748। अब दोस्तों इससे 88 घटा देते हैं तो 8 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।